अश्कों से जिसने सींची जमी, वो तो काटेगा एक दिन फसले हंसी की, फसले खुशी की भी अपनी। बाइबल की कहानियां प्रस्तुत करते हुए मदर टेरेसा ने कहा, बाइबल ईश्वर की ओर से एक अनुपम उपहार है और इस उपहार का प्रसार हो ताकि ईश्वरीय प्रकाश फैले और मनुष्य जाति का भला हो। बाइबल का अर्थ ही है पुस्तक। ये पुस्तक दो भागों में बटी हुई है, एक ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएं हैं, और दूसरा न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम जिसमें ईसा मसीह का जीवन और उनके प्रवचन हैं। सो प्रस्तुत है पुराना नियम और पुराना नियम से बाइबल की कहानियां। आदि मानव आदम की संतति बढ़ी और केन और शेत के वंश फले फूले और एक बड़ा कबीला जैसा बन गया, और इस कबीले के लोग बिखरे बिखरे से परिवारों में बंटकर अलग अलग घरों में रहने लगे। मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसने अपनी सुविधा के लिए उपयोगी औजार विकसित कर लिए। चमड़े के वस्त्र बनने लगे, पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गई। मगर इंसान ने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो था संगीत। विकास ने मनुष्य को खेती बाड़ी के लिए हल दिया, मगर इसी विकास की एक देन और भी थी और वो था अपराध। सच्चे ईश्वर को भूल गए और तरह तरह की मूर्तियां बनाकर नकली खुदाओं की पूजा करने लगे और एक दूसरे को मार देना एक आम रिवाज हो गया। आदम के पुत्र शेत के वंशज नोहा की कहानी इन्हीं हालात में शुरू होती है।
होगा 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 बीवी जी, पानी लाने हम को जाना चाहिए था। बहुओं को भेजने की क्या जरूरत थी? मालूम नहीं बाहर राक्षस ही राक्षस हैं। हम कहाँ हैं? हम? हाँ बाबा, किसी दिन उठाकर ले जाएंगे ये लोग तुम्हारी बीवी सिला को। पत्थर मार के सर ना फोड़ देंगे उनका। तुम चुप रहो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा बाबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर वो सब लोग तो आपसे बहुत डरते हैं बाबा। बेटी सिला, कुदरत की सच्चाई यही है कि बुराई हमेशा अच्छाई से डरती है। मगर कब तक? किसी दिन इनकी हिम्मत बढ़ भी सकती है। ये लोग बुरे क्यों होते हैं बाबा? इसलिए कि अच्छे नहीं होते। और अच्छे क्यों नहीं होते? अच्छे इसलिए नहीं होते मेरी प्यारी सिला कि वो उसूलों को नहीं मानते। ये उसूल क्या होते हैं? तू बहुत सवाल करती है। तेरा नाम सिला के बजाय सवालिया होना चाहिए था। हर वक्त सवाल करती रहती है। मगर बाबा, ये उसूल क्या होते हैं ये मैं भी जानना चाहता हूँ। बाबा रुको, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। तुम अपनी माँ को माँ समझते हो और बीवी को बीवी समझते हो, इसके उलट क्यों नहीं समझते? क्या चीज है जो तुम्हें रोकती है? इन दोनों में जो फर्क है और उस फर्क की जो समझ है, वही उसूल है। हम पाबंदी को माने ये उसूल है, ना माने ये बुराई है। बाबा के पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। बाबा आप हर बात इतनी आसानी से कैसे समझा लेते हैं? बेटे, नजर साफ हो तो हर चीज साफ नजर आती है, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो काम पर चलते हैं। ये तांबे पर तुमने अच्छा काबू पा लिया। बाबा आदम होते तो तुम्हें बहुत शाबाश कहते। शैम, लकड़ी उठाओ और चलो। बाबा बाबा, मगर इसके बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है। तुम्हारा सर पैदा होता है। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। बहु पानी। बहुत अच्छा हुआ जेवन, तुम खुद आ गए। मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। बैठो बैठो। मुझे बुलाने की जरूरत कहाँ पड़ती है नोहा, पेट की भूख अपने आप यहाँ ले आती है। बाबा, हम अपनी प्यारी सिला के लिए क्या लाए हैं? ये लो। आहा, कितना सुंदर है ना? जेवन चाचा, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मीठे बच्चे मीठे ही काम करते हैं। चला इधर बैठ। ए
اے سچے خدا بھٹکے ہوں کو راہ بتا, ہم پر کرم کر, ہمیں بچا, ہمیشہ نیک راہ پر چلا, ہم تجھے آج بھی نہیں بھولے, ہم تجھے آج بھی یاد کرتے ہیں, ہمیں اپنے نور کی روشنی کر عطا, اے سچے خدا, آمین. بابا نے بھیجا ہے آپ کو لانے کے لیے. جیون چاچا, بابا نے کہا ہے آج آپ ہمارے گھر پر سوئیں گے, معلوم اچھا ہے نا؟ تب تو بہت گہری نیند آئے گی بیٹی. وہ تو ہے. جیون چاچا, بابا بچاؤ, بابا, وہ لوگ جیون چاچا کو اٹھا کر لیں گے, بابا وہ راکشس انہیں مار ڈالیں گے, انہیں بچا لو بابا, انہیں بچا لو. تو کیوں ہم سے جدا ہے؟ بول, یہ تیرا خدا ہے. بول, یہ تیرا خدا ہے. نہیں, یہ میرا خدا نہیں ہے, یہ پتھر کے بت ہیں. زندگی دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو زندگی لینے کا حق کس نے دیا ہے تمہیں؟ ہمارے خداؤں نے. سچے خدا نے کہا تھا کہ بھائی بھائی کا خون نہیں کرے گا. تم کن خداؤں کی بات کر رہے ہو؟ یہ خدا اس اندھے کو خداؤں کے یہ بت نظر نہیں آتے. بت ہی نظر آ رہے ہیں, خدا نہیں. نوحا, ہم اپنے خداؤں کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. یہ ہمارے خداؤں کا حکم ہے. ان خداؤں کو تم نے اپنی سہولت کے لیے ایجاد کیا ہے تاکہ رنگ رلیاں مناؤ تو کوئی روکے نہیں, عیاشی کی ناپاک زندگی گزارو تو کوئی ٹوکے نہیں. یہ مت بھولو کہ جس سچے خدا کا بندہ میں ہوں وہی تمہارا بھی خدا ہے. بلا سکتا ہے تو اپنے خدا کو, دکھا سکتا ہے تو اپنے خدا کو, دیکھ ہمارے خداؤں کا کرشمہ, دیکھ. ڈوگا 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 ڈوگا, تیرا بندہ بن جائے گا, آج نہیں تو مر جائے گا. خاموش, تم لوگوں پر سچے خدا کا قہر ٹوٹے گا. اب اس کی باری, اب یہ جائے گا, دنڈ پائے گا. کیا ہو بابا؟ تم سب جا کر سو جاؤ. اے سچے خدا, نیک بندوں میں اکلوتا جیون بچا تھا, آج وہ بھی گیا, اب ہمارا کیا ہوگا؟ کیا یہ درندے ہمیں چھوڑ دیں گے؟
फिर भी हमारा यकीन तुम पर है। तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ देखते हो, तुम ही को मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। ऐ सच्चे खुदा, हम अपना सर तुम्हारी मर्जी के आगे झुकाते हैं। नोहा, नोहा, सब कुछ मेरी इच्छा से पैदा हुआ और अब सब कुछ मेरी इच्छा से खत्म हो जाएगा। धरती पर झूठ, मक्कारी और हिंसा इतनी बढ़ गई है कि मैंने सब कुछ खत्म कर देने का फैसला कर लिया है। आज से ठीक 7 दिन बाद आसमान से 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसेगा और जमीन के सोते फूट निकलेंगे और ऐसा जल प्रलय होगा कि जमीन पर जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मेरा आदेश है कि अच्छी गोफर की लकड़ी से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ, 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची, और फिर तुम धरती के हर जाति के पशु, हिंस और घरेलू, जोड़े जोड़े में यानी नर और मादा, और आकाश में उड़ने वाले हर तरह के पक्षी, इन सब को तुम जमा करोगे और कश्ती में रखोगे और फिर तुम खुद अपनी बीवी समेत और अपने लड़कों और उनकी बीवियों समेत कश्ती में चले जाओगे और जब सैलाब आएगा तो तुम सब बचे रहोगे और फिर जब सैलाब खत्म होगा तो तुम सब एक नई दुनिया शुरू करोगे। उस पत्थर से यहां तक 300 हाथ होते हैं। आप क्या बना रहे हैं बाबा? पता नहीं, रात से लगे हुए हैं और बताते कुछ भी नहीं। काम बहुत करना है और वक्त बहुत कम है हमारे पास। बाबा, मगर इस कम वक्त में हमें करना क्या है? क्या क्या नहीं करना है? दुनिया भर के जीव जंतु, जानवर और परिंदे जमा करके इस कश्ती में रखना है और वो भी जोड़ों में। मगर क्यों? और कश्ती कहाँ है? कश्ती भी बनानी है, सबसे पहले कश्ती ही बनानी है। शैम, तुम गोफर के पेड़ों से लकड़ियां काटोगे, जयपित रस्सियां बनाएगा, हामराल बनाएगा, औरतें अनाज जमा करेंगी। मगर बाबा क्यों? और हम इस कश्ती का क्या करेंगे?
ये कश्ती हम सबको सैलाब से बचाएगी। सैलाब? सैलाब क्या पहाड़ तक आ जाएगा बाबा? सारे पहाड़ डूब जाएंगे, सारी जमीन डूब जाएगी। वक्त नहीं है, जल्दी करो जल्दी। मगर बाबा खेतों में बीज रोप लो पहले, फिर आप जो कहेंगे। नहीं, बीजों को संभाल कर रखो, उन्हें जाया मत करो, वो पशु पक्षियों के खाने के काम आएंगे। चलो जल्दी मेरे साथ जंगल में। खुदा ने मुझे ये सब करने का हुक्म दिया है और पशु पक्षियों को बचाने का भी। अम्मी तुम्हें यकीन है? सवाल यकीन का नहीं, हुक्म मानने का है। वो खुदा का हुक्म मान रहे हैं और हम इनका हुक्म मानेंगे। चलो बहुओ, चलो काम पे चलो। कश्ती, सैलाब, ये सब तो कहानी की बातें लगती है। कहानी तो अब बनेगी। नोहा का नाम कश्ती और सैलाब से ऐसा जुड़ जाएगा कि आने वाली नस्लें अगर इसे अलग भी करना चाहेंगी तो नहीं कर पाएंगी। और सुनो मेरे बच्चों, दिल साफ हो और रूह पाक तो विश्वास लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बाबा ये देखो। बाबा इन्हें भी साथ ले चलेंगे। देखा, इसका दिल साफ है और रूह पाक, इसलिए इसे विश्वास लाने में कोई दिक्कत नहीं। चल बेटी मेरा हाथ पकड़। जी बाबा। रस्सी लेकर पीछे जा, और पीछे, और पीछे, बाएं जा, और बाएं जा, और बाएं जा, रुक जा, अब रस्सी खींच। आसमान भी खाली है, बादल भी खाली।
झील भी बनाएगा। समुंदर को बांध के लाएगा। उन कटोरों में भर के लाएगा जो इसका बेटा बना रहा है। बच्चों काम करो अपना।
बेटे जल्दी करो, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। कश्ती की सारी बंदिशें खोल दो, जल्दी करो। खोल दो, दरवाजा बंद हो जाने दो, जल्दी करो। बाबा मगर हैम हैम तेरे हवाले है, ए मेरे रहनुमा।
खुदा, ए सच्चे खुदा। चालीस दिन और चालीस रात तक बारिश होती रही। पृथ्वी पर जल ही जल था, सब कुछ डूब गया। सिर्फ नोहा की कश्ती थी जो 150 दिन तक इस महासमुद्र पर तैरती रही। अंदर तो बहुत अंधेरा हो गया है। हाँ, और खिड़की खोलने का भी कोई फायदा नहीं, बाहर तो और भी ज्यादा अंधेरा है। बाबा, मेरे पास कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना दिया खुद उठाकर चलते हैं। ऐसा कौन सा जीव है? मैं तो किसी को बोला नहीं। आप भूले नहीं, मगर मैं दो की जगह कितने सारे लाई हूँ, ये देखिए। जुगनू लाई हूँ, इतने सारे जुगनुओं से एक दिए जितनी रोशनी तो हो ही जाएगी। अंत में इस महाविनाश और इस महाप्रलय के बाद बारिश थम गई। फिर भी कश्ती पानी की धाराओं पर तैरती रही। फिर पानी घटने लगा। इसमें भी बहुत बहुत दिन गए और फिर नोहा की भटकती हुई कश्ती आर्मेनिया में अरारत के पर्वत पर
स्थिर हो गए। पानी कम हो रहा है, कश्ती जमीन पर रुकने वाली है। हम बाहर जा रहे हैं, सुना? हम बाहर जा रहे हैं। देखा मेरे बच्चों, खुदा हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। खुदा बहुत बड़ा है, वो हमारे सब्र का इम्तिहान है। खुदा बहुत बड़ा है। फिर बहुत दिन गए और नोहा ने एक काग छोड़ा। इंतजार किया पर वो लौटा नहीं। बाबा, फिर नोहा ने जमीन की सुद लेने को एक फाख्ता उड़ाया। मगर वो पानी में बहुत दूर दूर तक घूमकर लौट आई। और फिर 7 दिन के इंतजार के बाद एक और फाख्ता उड़ाई गई। नहीं सिला, इस बार कबूतर तुम छोड़ो। बाबा वो देखो, जमीन पर हरियाली पैदा हो गई है। कुछ ही दिनों में हम खुदा की मेहरबानी से फिर से जमीन पर चलते फिरते नजर आएंगे। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। आकाश में एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ और ये इंद्रधनुष प्रतीक था खुदा और नोहा के बीच इस वचन का कि अब कभी सैलाब नहीं आएगा।